हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे जुबलिएंट फूडवर्क्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और हम इसमें कल के दिन 1 जुलाई को होने वाले इसमें इम्पोर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट्स की बात करेंगे। कल हमने जो इसमें डिस्कस किया था, अगर हम उसे देखेंगे तो आज के दिन यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग तो हुई, लेकिन ओपनिंग होने के बाद जो हमारा यहाँ पे लेवल था 502.25 एग्जैक्टली उसी पॉइंट से ये रिवर्स हो गया और इसको ब्रेक किए बिना यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम इसी रेंज में इसने स्पेंड किया है। ठीक है, अब ये ज़्यादा रोमांचक हो गया है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, बिकॉज यहाँ पे 2 दिन से एक ही रेंज में है। ठीक है, जब ये शेयर रेंज में होता है तो अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये रेंज बाउंड हो गया है, तो जिस और भी निकलेगा हम लोग को क्लियर मोमेंटम दे के जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर नीचे की ओर हमें मोमेंटम मिलना है तो 505 के नीचे, ऊपर की ओर मोमेंटम मिलना है तो 5019.5 के नीचे मिलेगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे सिनारियो बना है, एक बार 1 डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि किस तरीके का सिनारियो क्रिएट हुआ है। 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे ये देख रहे हैं कि ये एक हॉल्ट कैंडल बना रखा है। ठीक है, एक हॉल्ट कैंडल इस तरीके से बना रखा है, और जब भी हॉल्ट कैंडल बनता है, अगर ये गैप अप कल के दिन फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को निकाल देगा तो हम लोग को बहुत ही नीचे के लेवल, मतलब ये जहाँ से ये ब्रेकआउट देके गया था 500 का लेवल, ये 500 के लेवल के आसपास से ब्रेकआउट देके गया था, इस लेवल के आसपास ये शेयर आ जाएगा। मतलब ये 500 के नीचे 495 498 के आसपास कल के दिन आ जाएगा, अगर ये जिस तरीके से इनसाइड कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर रखा है, इसको ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा बियरिश है, देखते हैं कल के दिन ये कैसा परफॉर्म करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। कल के लिए जो लेवल्स हैं उन्हें देख लेते हैं, तो कल के लिए हमारे जो लेवल्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, क्योंकि जो हमारा ये रेंज है, जिस रेंज के बेसिस पे हमने अपना ये जो सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करके हमारे लेवल बनाए हैं, ये सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कल के दिन अगर ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद 519.5 को ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट 523 का, दूसरा टारगेट 526 का हम लोग को ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। अगर ये नीचे 505.25 को ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट 500 का, दूसरा टारगेट 493 का देखने को हमें मिल सकता है, सॉरी 498 का, ये दूसरा टारगेट 498 का हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके से कल का हमारे लिए नीचे की ओर टारगेट रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, तो कोई भी डिसीजन आपको अपनी एनालिसिस के बाद में लेना है। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।